तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बुसेसी का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है। ये एपिसोड आपको कैसा लगता है, इसके बाद ही मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा जब आपको ये अच्छा लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे वीडियो के कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसका अगला एपिसोड लेकर आ पाऊंगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में रहने वाले अजीब अजीब क्रिएचर के बारे में, जो कि कुछ क्रिएचर पानी के अंदर रहते हैं और कुछ क्रिएचर जो होते हैं जमीन पर रहते हैं और कुछ हवा में ही घूमते रहते हैं। वैसे तो ये मरने वाले क्रिएचर नहीं होते हैं, ये जिंदगी भर जिंदा रहते हैं, यानी एक तरह से अमर हैं। इनकी कोई शेप नहीं होती, ना ही कोई साइज होता है। कभी छोटे, कभी बड़े, कभी अजीब से दिखने वाले होते हैं। और उन्हीं सब क्रिएचर को यहाँ पर मूसी कहकर बुलाया गया है इस एनिमेशन के अंदर। यहाँ पर हमें एक लड़का जो है अपने डैड की स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि जब मेरे डैड एक बार ड्रिंक करके जा रहे थे जंगल से, तो वो एकदम से रास्ता भूल गए गाँव का। तो वो जो है एक जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने फील किया कि मैं जो हूं गुम हो चुका हूं। अब उनको यहां पर कोई भी रोड नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। फिर वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ कहाँ जाऊँ, बट मैं तो अपना रास्ता भूल ही गया हूँ, क्योंकि उन्होंने वो ड्रिंक पी लिया था। पर एकदम से उन्होंने देखा कि कहीं पर लाइट जल रही है, तो उन्हें लगा कि वहाँ पर कोई ना कोई रोड मिलेगा। तो वो उसके पीछे जाने लग जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और वो कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब ये जो होते हैं इसके डैड वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठकर पी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या पी रहे हैं, बट जो भी पी रहे थे वो बहुत ही सुनहरे रंग का था, यानी कि वो सोने की तरह दिख रहा था। तो उन्होंने भी पीने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा ले लिया और उन्होंने भी वहाँ पर बैठ कर पीना स्टार्ट कर दिया। उसकी स्मेल जो थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम सुबह देखते हैं उसी लड़के को जो ये कहानी बता रहा होता है अपने डैड के बारे में। वो यहाँ पर सफाई कर रहा होता है ड्रम को। इसका नाम रोकू सुकू होता है। ये जो है यहाँ पर अपने बॉस के अंडर काम कर रहा है। इसके बॉस कहते हैं काम हो गया क्या। ये जो काम कर रहे होते हैं यहाँ पर अल्कोहल बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है रोकू कि हाँ सर काम हो गया है, आज के दिन तुम जाके रिलैक्स करो, ऐसा उसके मास्टर बोलते हैं। बट वो मास्टर को बुलाता है और कहता है कि आज जो मैंने बनाया है अल्कोहल, उसमें से मैं थोड़ा सा लेकर जाना चाहता हूँ। उसके मास्टर कहते हैं कि तुम लेके जा सकते हो। वो अपने डैड के लिए और अपने लिए भी लेकर जाता है। वो बंदा कहता है कि अब तुम्हारे डैड इसे भी कर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि तुमने ही तो इसे बनाया है। फिर हम देखते हैं कि वो जंगल के रास्ते रोकू जा रहा होता है और उसके पास वहाँ पर एक कैनर होता है जिसके अंदर वो अल्कोहल लेकर जा रहा होता है। उसको जाते वक्त अजीब सा फील हो रहा होता है जब वो अल्कोहल लेकर जा रहा है। इसीलिए मैं आपको गाँव की एक कहानी बता देता हूँ जो कि मैंने सुनी है। गाँव के लोग कहते हैं कि अगर आप अल्कोहल लेके जाते हैं तो थोड़ा सा नीचे गिराना पड़ता है या फिर उसको जूठा करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो नीचे कमेंट करें। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ से जा रहा होता है, उसके पैरों में कुछ फील होता है। फिर वो जो है देख नहीं पाता कि उसके आसपास क्या है, बट हमें दिखाया जाता है कि अजीब से दिखने वाले क्रिएचर उसके आसपास हैं। तभी उसको अपने डैड की बताई गई कहानी के बारे में दोबारा सोचता है। वो सोचता है कि मेरे डैड भी कह रहे थे कि जब वो यहाँ से अल्कोहल लेकर जा रहे थे, जब उन्होंने थोड़ा सा पी लिया था, तो उन्हें भी अजीब अजीब चीज़ें दिख रही थी और अजीब अजीब चीज़ें उन्हें फील हो रही थी। तो वो अजीब चीज़ें क्या हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने डैड से पूछता है तो उसके डैड कहते हैं तुम जरूर एक ना एक दिन उन चीजों को देखोगे। यहाँ पर वो अपने डैड से कहता है कि अगर मैं उन्हें देखता हूँ तो एकदम से गायब हो जाते हैं। उसके डैड कहते हैं पता है मुझे, क्योंकि मैंने भी जब देखा था तो वो एकदम से गायब हो चुके थे। मुझे लगता है कि जो तुम्हारे पास चीज है उसी की वजह से वो तुम्हारा पीछा करते हैं। क्या पता वो उसको पाना चाहते हैं, बट तुम उन्हें टेस्ट नहीं करवाते हो इसीलिए वो पीछे पीछे आते हैं। और साथ में उसके डैड ये भी बताते हैं कि जो अल्कोहल होता है वो गोल्डन कलर का होता है, जो उन्होंने देखा था और साथ में पिया भी था, बट आज के बाद उन्होंने कभी वो पिया नहीं है और ना ही उसका टेस्ट अभी तक भूल पाए हैं।
फिर हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाता है, जो कि रोगु छोटा होता है। रोगु सोचता है कि क्या वो दिखने वाली चीज जो गोल्डन कलर की होती है, क्या वो बात करती है क्या? क्या उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे कि हमें बात करने की पावर मिल जाती है? यहाँ पर वो अजीब से सवालों से घिरा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो सोचता है कि वो चीज़ कैसे बोल सकती है, ये तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि ये तो लिक्विड है, ये पानी कैसे बोल सकता है। फिर हम दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि रोकु जो है उस बोतल को खोल लेता है क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि ये चीज़ कैसी लगती है, और वो जो है अपने लिए ही उसको पी लेता है। पीने के बाद वो जो है सोचता है कि अब मैं कहाँ पर रहूँ, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो अब कहाँ पर है। वो सोचता है कि मैंने कोई गलत टर्न ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, अब मुझे जाकर दोबारा से सही टर्न लेना पड़ेगा, तब मैं सही जगह जाऊँगा। तभी वो फील करता है उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा हुआ है। वो सोचता है कि किसी के बाल हैं, जंगली जानवर के बाल मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं उसकी जो बोतल है वो कोई खींच कर ले जा रहा होता है। वो उसकी तरफ भागता है और कहता है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझसे, मुझे वापस दे दो इसे। फिर हम देखते हैं कि रोकु जो है उस बोतल को पकड़ लेता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग उसे दिख रही होती है। वो सोचता है कि ये किस तरह का प्लेस है, जो मेरे फादर बताते थे वही तो नहीं है। तभी हम एक बंदा देखते हैं जो यहाँ पर आता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो जो है यहाँ पर देख लेता है कि वो अलग से क्रिएचर उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास कुकी है, वो जो बोतल में होता है उसको वो कुकी कहता है। वो यहाँ पर बताता है कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी बोतल से यहाँ पर गिरा देता है थोड़ा सा अल्कोहल नीचे, जिससे कि वो क्रिएचर होते हैं उस अल्कोहल को पीने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं गिंको यहाँ पर कहता है कि आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या तुम नए हो क्या, क्या तुम नए मुसीसी हो? यहाँ मुसीसी का मतलब है वो बंदा जो इन सब क्रिएचर को देख सकता है। बट वो कहता है कि नहीं, मैं तो कोई मुसीसी नहीं हूँ। फिर वो अपने बोतल से भी थोड़ा सा नीचे गिरा देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर पीकर एक जगह पर चले जाते हैं। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहाँ पर वो पहुँच जाता है। वो सोचता है कि मुसीसी क्या होता है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गिंको को यहाँ पर एक बंदा बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो कुकी है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दूंगा, यहाँ पर एक्सचेंज के तौर पर। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास है थोड़ा सा कुकी, मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर रोकु को भी बुलाते हैं क्योंकि रोकु के पास एक बोतल होता है, तो उसको एक्सचेंज में कुछ देना चाहते हैं वो लोग। रोकु यहाँ पर देखने लग जाता है। वो बंदा बताता है कि तुम अगर हमको एक कप दे दोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर जितने सामान रखे हैं उनमें से एक चीज़ को दे देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोकु होता है वो यहाँ सामान को देखने लग जाता है, और यहाँ से गिंको चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक कप पड़ा है, उसके डैड भी ऐसा कप लेकर रखते हैं हमेशा अपने साथ, इसलिए वो उस कप को ले लेता है और यहाँ पर जो उसके पास अल्कोहल होता है वो उसे दे देता है। अब यहाँ पर जो रोकु होता है उसे लोग जो है और घेर लेते हैं क्योंकि उनसे जो है और ज़्यादा चाहिए होता है अल्कोहल, उसको वो कुकु बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर उस कुकु को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। रोकु सोचता है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, कुछ करने वाले हैं क्या? तभी वो देखता है कि सभी लोग एक पेड़ के पास चले जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर जाकर उसी अल्कोहल को एक छोटे से बर्तन में रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्तन से एकदम से अल्कोहल गायब हो जाता है और जो उनकी खाली बोतल है उसी उस गोल्डन वाले अल्कोहल से भर जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बोतल खाली रखी होती है, उसमें भी वो सेम प्रोसीजर करता है, बट ये बोतल जो है वो भरती नहीं है। तभी एक बंदा कहता है कि लगता है कुछ गलत हो गया है यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि इसने जो है फेक वाला अल्कोहल का यूज किया है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। वो बंदा कहता है कि मैंने जो है ये इससे लिया था। वो रोकु का नाम लेता है और सभी लोग उसके पास भागने लग जाते हैं, उसे पकड़ने लग जाते हैं। वो छुपते छुपाते भागना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैंने गलत क्या कर दिया। फिर वो जाकर यहाँ पर छुप जाता है और सभी लोग वापस से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गिंको आता है और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर है। रोकु कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरा बात सुनो, बस मैं वो चमकने वाली चीज़ को पीना चाहता था, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर अभी तक खड़ा हुआ था, वरना मैं तो अपने घर जा रहा था। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि जो मैंने अल्कोहल बनाया है वो बिल्कुल फेक अल्कोहल बना है। वो कहता है कि तुमने जो है अल्कोहल जो बनाया है वो किस तरह से बनाया है, और तुमने अपने हाथों में लिया है वो क्या
फेक है। वो कहता है कि नहीं, ये फेक नहीं है, हमने जो है बहुत बार ट्राई किया इसे बनाने का और लगता है कि मुझे इसके अंदर बनाने में एरर आ गया है। मेरे डैड जो है पहले ये बनाया करते थे बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब यहाँ गिंगो कहता है कि तुमने इसे कैसे बनाया, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ एक बड़े से कंटेनर को ले लेता हूँ और उसमें राइस और वाटर को डालकर मिक्स करना स्टार्ट कर देता हूँ, बट मैं जब भी ऐसा करता हूँ सही से बन नहीं पाता। तभी मुझे एक आइडिया आया, तो मैं फूलों के बगीचे में जाकर वहाँ से एक चीज़ लेकर आया जो कि फूलों का ही था। फिर मैंने उसे मिक्स किया बट मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा बट ठीक नहीं हुआ। बट उनमें से एक कंटेनर ऐसा बना जो बिल्कुल गोल्डन कलर का दिखता था, उसी में से मैं ये चीज़ लेकर घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बट इसे पीने के बाद मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि किसी चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर रिंको कहता है गिंगो कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो गया है और जिन चीज़ों को तुम देख रहे हो वो जो है मूसी बोलते हैं उन्हें, और वो उन सब बंदों को अट्रैक्ट करते हैं जो वो गोल्डन अल्कोहल पीते हैं। इसीलिए कभी कभी जो होते हैं मूसी अच्छे भी होते हैं और कभी बुरे वाले भी होते हैं। क्या तुम इस स्टोरी पर बिलीव करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे स्टोरी पर बिलीव करता हूँ। वैसे तुम्हें जो है इसे किसी और को बांटना नहीं है क्योंकि ये तुम जो है सभी बंदों को नहीं पिला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी बंदे हैं इसे पी लेंगे तो उन्हें अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो वर्ल्ड के अंदर होती हैं, जिन्हें वो देख नहीं पाते नॉर्मल आइज से। वो बताता है कि मूसी वही चीज़ है जो वर्ल्ड के अंदर हैं, ना तो वो ज़्यादा हैं ना तो वो कम हैं, बट तुम्हारे इसके पीने के बाद वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर रोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अब मैं जो हूँ वापस आ गया हूँ और जितने सारे हमने कंटेनर बनाए थे वो गिंकू ने मना किया था किसी को देने के लिए। उसने कहा था कि कुछ स्पेशल बंदे आएंगे उसे लेने के लिए जो कि एक विजिटर होते हैं, वही उसको ही देना है तुम्हें। फिर वो कहता है कि ठीक है, तो मैंने सभी कुछ उन्हीं को दे दिया है। वो बोल के गया था गिंकू कि उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर ये सारी बात अपने डैड को भी बताता है कि कैसे कैसे मैं उस जंगल में गया था और मैंने जो है वो चीज़ को देखा जो आप देख कर आए थे, वहीं से मुझे ये कप मिला है। मैं भी चाहता हूँ कि आपने जो पिया था वो मैं एक बार ट्राई करूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो एक बार पी कर। तो यहाँ पर वो सोचता है जो हमारा रोकू होता है कि जो आखिरी कंटेनर बचा था उसमें से मैं थोड़ा सा लेकर आ गया था। अब वो जो है छत पे बैठकर उसे पीना स्टार्ट कर देता है और फिर जब वो आसमान में देखता है तो उसको वही सारे क्रिएचर दिखाई देने लग जाते हैं। वो कहता है कि ये क्रिएचर कितने अच्छे हैं, हमेशा से एक ही जैसा काम करते हैं और ऐसे ही जीते रहते हैं। बट ये क्या ऐसे एक जैसा ही काम करने से बोर नहीं होते या फिर थकते नहीं हैं, बट फिर भी वो उसी पैटर्न में मूव करते रहते हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है अपने लाइफ को जीने के लिए। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको देखकर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो हूँ ये अगला एपिसोड जल्द लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।